तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण चली गई दूरी, दूरी बराबर समलम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब समलम में जो है का क्षेत्रफल जो होता है आपका समांतर भुजाओं का योग, अंतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ऊंचाई अपॉन टू। समांतर भुजाएं क्या होगी आपकी ओ ई, ये ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी, ये समांतर भुजाएं होगी आपकी ओ ए प्लस सी बी इंटू ओ सी अपॉन टू। ठीक, ओ ए कितना है, ओ ए यू प्लस सी बी, सी बी आपका वी है इंटू टी अपॉन टू। लेकिन गति का फर्स्ट समीकरण क्या आपका वी बराबर यू प्लस ए टी है। ठीक, तो हम टी की जगह पर क्या लिख लेंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा आपका वी माइनस यू अपॉन ए, इसका मान हम कहाँ रख देंगे, इस टी की जगह पर रख देंगे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका यू प्लस वी, टी का मान वी माइनस यू अपॉन ए यानी टू ए। तो एस बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा टू ए, एस बराबर आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीसरा समीकरण।